6-7 रोड तो आपको राजनगर में दिए हैं। झा जी जहाँ के पूर्व प्रमुख हैं वहाँ दिए हैं, उसके बाद नवल झा जी एक है बासुपट्टी के मुखिया, उस गांव में शमशान घाट दिए हैं। परसा गांव है, 75 साल की आज़ादी के बाद कभी वहाँ एक रोड नहीं बनी थी, तो अपने कोच से वहाँ भी बनाए, वहाँ उद्घाटन करना है। विकास के अगर बारे में मैं बताऊँगा तो उंगलियाँ भी कम पड़ जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं केआर न्यूज लाइव। केआर न्यूज लाइव के माध्यम से मधुबनी जिला के तमाम खबरों के साथ आप जुड़े रहे हमारे साथ। हम आपको ऐसी ऐसी तमाम खबरों से अवगत कराते हैं जो खबर पर्दे के पीछे है, हम आपके सामने लाते हैं। इस समय हम पहुंचे हैं खुटौना प्रखंड, और खुटौना प्रखंड के सांसद सह जदयू के राष्ट्रीय महासचिव रामप्रीत मंडल जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आप झंझारपुर के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, आप क्षेत्र में भी जाते हैं। झंझारपुर सर संसदीय क्षेत्र में आपने अभी तक के कार्यकाल में विकास के कौन कौन से कार्य किए हैं उस पर आप बताइए। सबसे पहले श्रीमान उंगली कम पड़ जाएगा, उंगलियां जो हैं विकास के अगर बारे में मैं बताऊंगा तो उंगलियां भी कम पड़ जाएगी। मैं फिर भी कम से कम 15 और 20 योजना के बारे में आपको बता दूं। 2019 में जीतने के बाद 1000 सोलर लाइट लगाया गया हमारे फंड से, तो हर गांव में आपके नॉलेज में होगा। उसके बाद हमने लक्ष्मी पार्वती महाविद्यालय झंझारपुर में है वहाँ योजना 15 लाख का दिया, वो हम बन भी गया, उद्घाटन भी हो गए। चेथरू महाविद्यालय यहाँ खुटौना दोनबाड़ी में बाबूबड़ी प्रखंड में है, वहाँ भी हम दिए हैं, वो बन रहा है। उसके बाद चले जाइए बासोपट्टी से शुरू करते हैं, उसराही में दिए हैं, वहाँ रोड बन गया, उद्घाटन करने की ज़रूरत है। और एक वीरपुर गांव है नूनू झा जी जहाँ के पूर्व प्रमुख हैं वहाँ दिए हैं, उसके बाद नवल झा जी एक है बासोपट्टी के मुखिया, उस गाँव में शमशान घाट दिए हैं। और मेरे ख्याल से 6 रोड हमने दिए हैं आपको राजनगर प्रखंड में, मंगरोनी में, उसके बाद ये एकम्मा श्रीपट्टी में, हमारे बीच बैठे हुए हमारे प्रखंड में उनसे भी जानकारी ले लीजिएगा। करीब हम 6-7 रोड तो आपको राजनगर में दिए हैं, वहाँ भी हमने काली स्थान में शमशान घाट के लिए घोषणा किए हुए हैं। उसके बाद आप चलिए खुटौना में, एक एक ब्लॉक कराता हूँ, खुटौना में 6 हमारा योजना कंप्लीट हो गया। फुलपरास में ये परसा गांव है, 75 साल की आज़ादी के बाद कभी वहाँ एक रोड नहीं बनी थी, तो अपने कोच से वहाँ भी बनाए, वहाँ उद्घाटन करना है। झंझारपुर में जल जमाव होता था RS थाना के पास में, तो वहाँ भी करीब 78 लाख का काम जो पुराने हमारे फंड थे, 3 जगह हम दिए, गंगापुर, RS और एक जगह नाम नहीं जानते हैं, वहाँ भी काम चल रहा है और RS का काम हो गया। उसके बाद आप चले जाइए महिनाथपुर भैरव स्थान में, एक हॉस्पिटल के घेराव के लिए हम घेराबंदी के लिए दिए हुए थे, वो भी काम चल रहा है। उसके बाद लखनऊ में एक है, लखनऊ में राम बाबू सिंह है उसके गांव में, महावीर महतो जी थे, स्वर्गीय महावीर महतो जो ये थे, वहाँ भी काम हो गया है। फिर मधेपुर में दिए हुए हैं, बहुत सारे कम से कम मेरे ख्याल से 70-80 योजना हमने दिया है, डिटेल कहेंगे तो हम फेसबुक से निकाल करके आपको दे देंगे। सर, ऐसा लगता है कि अभी जो कोरोना की त्रासदी आई थी उससे विकास कार्य प्रभावित हुआ है? जी देखिए, कोरोना तो हमारे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे संसार को प्रभावित किया जैसा आप जानते हैं। और हम लोगों का जो फंड था माननीय सांसदों का, 2 साल उसको बंद कर दिया गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो हम लोग बहुत विरोध भी किए। उसी दरमियान में सांसदों का जो 5 करोड़ मिलता था 2 साल के लिए बंद कर दिया गया, और बोलना नहीं चाहिए मुझे एज ए सांसद, बीइंग ए सांसद, उस टाइम में भी कोरोना काल में भी माननीय प्रधानमंत्री विकास का काम जो उनका अपने इच्छा पर था वो किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री का हवाई जहाज आना, प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट नया बनाना, सब कोरोना काल में ही हुआ है।
प्रधानमंत्री जी का अपना जो इच्छा पर जो ये किया है, इच्छा जो हुआ है वो उन्होंने किया है, लेकिन माननीय सांसदों का जो हम लोगों के बीच जो 5 करोड़ मिलता था, आप जानते हैं कि हमारे क्षेत्र बहुत बड़ा है, 249 पंचायत है, और अगर वो फंड आता तो गरीबों के बीच में जहाँ रोड नहीं है, नाली नहीं है, छठ का घाट नहीं है, हम लोग जिस समुदाय से आते हैं वहाँ लोग छठ मनाते हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो 2 साल बंद कर देने से हम विकास नहीं कर पाए जो हमारे इच्छा शक्ति में था कि हम जीत कर गए, हम एक काम करें जनता के बीच, फिर भी उसी में से जो है एडजस्टमेंट करके हमने कोशिश किया और कर रहे हैं।